भारत माता की पूजन कर एकल के 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ। देश में 1,00,000 विद्यालयों में एकल प्राचार्य दे रहे शिक्षा और संस्कार विकास जैन। एकल अभियान मध्य भारत अंचल गुना का 10 दिवसीय वार्षिक आचार्य अभ्यास वर्ग का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद कार्यालय अशोकनगर संच में किया गया। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्या अर्पण कर विधिवत शुरू किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय धर्म प्रसार प्रमुख दीपक मिश्रा, महिला भाग अध्यक्ष आशा रघुवंशी, मध्य भारत भाग प्रशिक्षण शिक्षा प्रमुख विकास जैन नखराली, भाग प्रशिक्षण प्रमुख नारायण सिंह ठाकुर, संच समिति अध्यक्ष हरिओम शर्मा, कोषा अध्यक्ष राम कुमार चौधरी, अभियान प्रमुख पप्पू सिंह नायक एवं ग्राम स्वराज मंच पप्पू सिंह मंचासीन रहे। उद्घाटन सत्र में सभी वरिष्ठ जनों ने आचार्यों का मार्गदर्शन किया और प्रशिक्षण के महत्व को बताया। मध्य भारत भाग प्रशिक्षण प्रमुख विकास जैन ने बताया कि वर्ग में गुना अंचल के संच आरोन मुंगावली और अशोकनगर के नवीन आचार्य और दीदियों ने हिस्सा लिया। ये सभी आचार्यों को एकल द्वारा 10 दिनों तक वर्ग में प्रशिक्षण किया जाएगा और ये सभी आचार्य पंचमुखी शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षित कर गांव-गांव में विकास और संस्कार की अलग जगाएंगे। जैन ने कहा कि आज देश में एकल के 1,00,000 से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिन्हें आप जैसे हजारों आचार्य और दीदियों द्वारा पंचमुखी शिक्षा देकर बच्चों का शिक्षित कर रहे हैं जिन्हें आप जैसे हजारों आचार्य और दीदियों द्वारा पंचमुखी शिक्षा देकर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, इस एकल अभियान में हमारी महती भूमिका हो रही है। निश्चित ही इन 10 दिनों में आप गागर में सागर भरकर ले जाएंगे और वर्ग से प्राप्त ज्ञान को जन जन तक पहुँचाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। विश्वास के साथ अपने आप को मजबूत बनाएं, जैसे कि हमारे यहाँ अभी नारायण जी ने बताया प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्या है? छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना, खाना खाएं तो हाथ धो के खाना खाना है, नमस्कार कैसे करना है, अभिवादन करना है, बच्चों को छोटी छोटी बातें जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है, सरकार की जगह हर जगहों में विद्यालय हैं, लेकिन कुछ गांवों में आज भी विद्यालय नहीं है, ठीक है ना। छोटे छोटे आदिवासी क्षेत्रों में अपन विद्यालय बच्चे नहीं भेजते, तो अपन एकल विद्यालय के माध्यम से 30 बच्चों को राष्ट्र के लिए उपयोगी बना रहे हैं, है ना। तो प्राथमिक शिक्षा के साथ उन्होंने बताया हमको आरोग्य शिक्षा क्या है? ये अपने पूर्वजों की शिक्षा है। हमारे ऋषि मुनि हमारे घर में सबके यहाँ दादू के बटुआ रहता था नहीं, दादी का बटुआ। पेट खराब हो गया तो अपने काला नमक, अजवाइन, नींबू पानी, ये सब चीजें रहती थी कि नहीं रहती थी? छोटी छोटी चीजों के लिए हमको अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बुखार आ गया तो हमको बंसी जड़ी आती है, बाबा रामदेव जी की आती है ना, उसको चरायता आता है, ये सब चीजें, नींद की, ये सब चीजें हमारे घर में हमको नॉलेज आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे आरोग्य शिक्षा के माध्यम से हमको पंचमुखी शिक्षा में आती है, ये सब चीजें हम सीखे। ग्राम विकास, जैसे कि गाँव का विकास कैसे हो, पर्यावरण शुद्ध हो, गांव में सूखता गड्ढा हो, गांव में साफ सफाई हो, है ना। ये सब चीजें सरकार की योजना है। अभी सरकार मोदी जी भी बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने अभी देखो कितना हर घर में शौचालय बनवाया कि नहीं बनवाया, कितना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बताओ। इससे पहले की सरकारों ने किया था क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे पहले की सरकारों ने किया था क्या? 70 साल इन्होंने राज किया, कभी शौचालय बने अपने गाँव में? महिलाएं शौच के लिए जाती थी, कैसा अच्छा बुरा लगता था कि नहीं लगता था? डब्बा लेके जा रहे हैं अपन, आज हर घर में शौचालय तो है, आज अपनी मान सम्मान दिलाया कि नहीं महिलाओं को? तो ये सब चीजें, आज यहाँ शौचालय नहीं है भैया, अपन सरकार की योजनाओं पे सरकार अपन आवेदन करके उसका लाभ दिलाइए, प्रचार प्रसार करें, यही हमारा काम है। एकल का आचार्य का काम भी यही है।